नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने अवैध खनन पर टीम का गठन कर गश्त के दौरान 3 बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त कर 1,26,000 के जुर्माना वसूल किया। आमेर थाने के एएसआई अर्जुन लाल ने बताया है कि टीम ने गश्त के दौरान आगरिया रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर पूछताछ की और सही जवाब नहीं मिलने पर उन्हें थाने पर लाकर खनिज विभाग को कार्यवाही के लिए सूचना दी गई। खनिज विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिस पर राजस्व को लेकर 1,26,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को रेल मगरा थाने पर रखवाया गया। एसपी के निर्देश पर लगातार रात्रि गश्त के दौरान अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई जारी रहेगी। पर थाना अधिकारी महोदय और पुलिस की टीम ने श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब नरपत सिंह जी के निर्देशन में अवैध रेती की धरपकड़ हेतु हमने 2 अगस्त मुखबिर की सूचना पर आगरिया के गांव के पास में नाकाबंदी की, जहां पे 3 ट्रैक्टर अवैध रेती के परिवहन करते हुए पाए गए। उनको हमने वहां मौके से खनन विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टरों को जब्त करके थाने पर लेके आए हैं और उनसे खनन विभाग जुर्माना जो भी नियमानुसार 1 प्रति ट्रैक्टर 1,26,000 का जो जुर्माना है वो